अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल के आप सिलाई सेंटर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आज आप लोग को हम बताएंगे बेडशीट डिज़ाइन की कटिंग करना, जो स्टिचिंग हम आप लोग को अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं हमारी बेडशीट डिज़ाइन, इसी की हम कटिंग करना बताएंगे। आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। हम आप लोग को स्टेप बाई स्टेप समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो दोस्तों जो डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं बेडशीट, वो हम ऑर्डर पर बनाने वाले हैं। अगर आप लोग भी बनवाना या मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने से पहले, अगर हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग देख सकें हमारी हर नई वीडियो। तो दोस्तों हम आप लोग को बता दें, जो ऑर्डर हम तैयार करने वाले हैं, बेडशीट जो बनाने वाले हैं, वो मुंबई से ऑर्डर आया है और जो कपड़ा है हमने नहीं लिया है, उन्होंने ही हमें यहाँ पे कोरियर किया हुआ है। उन्हें दिया हुआ कपड़े से हम बनाएंगे और अपने पसंद का कपड़ा भेजेंगे। जो कपड़ा है यहाँ पे वो चाइना सिल्क है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लाइट है, लाइट में है, और उसी से हम कपड़े को मतलब डिज़ाइन करेंगे। और उनका दो बेडशीट बनाना है सिंगल सिंगल, तो सिंगल बेडशीट बनाएंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे उन्होंने चार कलर भेजा है, रेड कलर है और हमारा येलो कलर है और पिंक कलर है और हमारा ब्लू कलर है। तो चार कलर से हम डिज़ाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम पहले तीन कलर यूज करेंगे, क्योंकि कपड़ा को देखना है कि मतलब कितना आएगा, क्योंकि उन्होंने भेजा है। तो हम लेते तो अपने हिसाब से ले लेते, तो रेट का हम पहले नहीं कट करेंगे, क्योंकि जब हमारा उसमें काम लगेगा तो हम उसमें पट्टी का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और सिर्फ तीन कलर से पहले हम कटिंग करेंगे। तो अगर यहाँ पर आप कपड़ा लेंगे तो कितना कितना लेंगे? रेट का हम लेंगे 2 मीटर, और येलो का हम लेंगे 2 मीटर, और हम लेंगे जो पिंक वाला है उसे हम लेंगे 1 मीटर, और हमारा ब्लू जो है उसे भी हम लेंगे 1 मीटर। इतने कपड़े से हम सिंगल बेडशीट बनाएंगे सिर्फ आगे का। अगर आप पीछे का बनाना चाहते हैं तो और भी कपड़ा लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम इसकी कटिंग करना बताते हैं आप लोग को। तो पहले हम पिंक का लेंगे, यहाँ पर खोलेंगे इसको, और उसके बाद यहाँ पर खोलने के बाद अच्छे से हम तय करेंगे, यानी कि 4 फोल्ड में इसे तय करना है आपको। और हम फोल्ड करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो हम पहले आपको कटिंग दिखा देंगे। तो स्टिचिंग वाली जो वीडियो है हम जब अपलोड कर देंगे वीडियो, तो इसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से जा करके स्टिचिंग वाली वीडियो भी देख सकते हैं जब हम अपलोड करेंगे तब। और हमारे चैनल पे आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर हम पहले करेंगे 4.5 इंच पे, हाँ यहाँ पे 4.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा ही कट करके आपको दिखाएंगे, बाकी का हम खुद कट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वीडियो में थोड़ा सा आपको समझा देंगे कि आपको ऐसे ही पीस को लेना है। तो यहाँ पे हमने 4.5 इंच का कट कर लिया, बाकी के कपड़े को हम किनारे रख देंगे और इसे हम खोलेंगे। उसके बाद इसकी फिर कटिंग करेंगे। और जो कपड़ा है इसमें ज़्यादा सिल्क का है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट है और बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा बेडशीट बनने में, इसकी खूबसूरती ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर निशान लगा देंगे और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। इसे हमें स्क्वायर में कट कर लेना है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। उसके बाद हम जितना भी पट्टी हमारी है इसी के बराबर सभी पीसेस को हम काट लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो पिंक वाली पीस है कट चुकी है, और उसके बाद हम आगे का कटिंग कर लेंगे। तो इसे हम रख देंगे किनारे। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे येलो का, ब्लू का लेंगे, ब्लू वाला हम पीस लेंगे, ब्लू में कट करेंगे। तो हम पिंक और ब्लू और येलो का डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से इसे भी हम तय कर लेंगे, मतलब इसे अच्छे से बराबर करना है, फोल्ड करना है आपको, 4 फोल्ड में तय कर लेना है। और इस तरह से हम अच्छे से पीस को हम रख देंगे कपड़े को। अगर आपका कपड़ा बराबर हो तो रहने देने, तो अगर नहीं बराबर हो तो किनारे काट के उसकी बराबर कर ले, उसके बाद ही कटिंग करेंगे। तो हम काट के यहाँ पे बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 4.5 इंच पे, 4.5 इंच पे हम लगाएंगे। तो वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कैसे कैसे कट करना है आपको पीसेस को। तो सभी कुछ इसमें हम समझाएंगे आप लोग को, आप लोग बहुत ही आसानी से कट कर पाएंगे डिज़ाइन को। उसके बाद यहाँ पे हम कपड़े को अलग कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें, अगर आप लोग डिज़ाइन को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं तो इसमें बड़ा करेंगे तो कम पीस लगेगा, और ज़्यादा छोटा करेंगे तो आपको ज़्यादा पीस लेना पड़ेगा, ठीक है। जो जैसे आपका आपको अच्छा लगे, और छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने समझ से, अपने कपड़े जितना करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच के टुकड़े को कट कर लेंगे, और बाकी का पीस हम इस तरह से 4.5 इंच पर निशान लगा के कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो ब्लू वाली है उसे भी हमने काट लिया है, और इसे हम दोनों को रख देंगे किनारे। उसके बाद यहाँ येलो का हम लेंगे, येलो का कट करेंगे। तो जो डिज़ाइन बन रही है इस कपड़े से, वो बहुत ही सुंदर लग रही है, लगेगी बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा लाइट है और बहुत ही सुंदर लगे, कलर भी अच्छा है। तो
अगर आपके यहाँ ये वाला कपड़ा मिल जा रहा है तो आप लोग ये वाला कपड़ा भी ले सकते हैं। और हमारे यहाँ तो वाला कपड़ा नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पहले मिलता था, अब बंद हो चुका है, सिर्फ सूट में ही देखने को मिलता है। तो ये मुंबई से कपड़ा आया है, और अगर आप लोग के यहाँ मिले तो आप लोग इसे चाइना सिल्क में ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लाइट है इसमें, और चमक भी रहेगा बनने के बाद। तो इस तरह से हम किनारे को कट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे कपड़े को, और उसके बाद इस पर निशान लगाएंगे हम 4.5 इंच पे। 4.5 इंच पे निशान लगा करके इसे हम पट्टी में पहले कट कर लेंगे यहाँ पे, उसके बाद इसे टुकड़े में काटेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे को सिर्फ एक एक दिखाएंगे, बाकी का हम खुद कट कर लेंगे, और फिर आपको स्टिच में स्टिच करना बताएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम 4.5 इंच पे इसे दोबारा से निशान लगाएंगे, इसे टुकड़े में काटना है हमें, स्क्वायर में, और इस तरह से निशान लगा कर इसको भी कट कर लेंगे, बाकी का पीस फिर आगे हम ऐसे काट लेंगे। फिर निशान लगाते हुए सभी पट्टी को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये वाला पीस भी कट चुका है। उसके बाद हम दोबारा से येलो का लेंगे, तो हमें येलो में दो बार कट करना है। तो यहाँ पे हमने पहले 4.5 इंच पे निशान लगाया, तो इन सभी पीसेस को हम रखेंगे किनारे, फिर हम यहाँ पे उस क्या करेंगे, 4 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें इसे 4.5, पहले 4.5 इंच का था, इस बार हम 4 इंच पे लेंगे, और इसे हम पट्टी में कट कर लेंगे। फिर आगे आपको समझाएंगे कैसे कैसे आपको कितना पीस कट करना है, कितना लेना है, सभी कुछ आपको हम बताएंगे। आप लोग इस हिसाब से अपने बेडशीट के लिए कट कर सकते हैं, और सिंगल डबल जैसे बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से बना सकते हैं आप लोग। हम सिंगल का आपको बता रहे हैं, अगर आप चाहें तो डबल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसी किनारे को काटेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे, इसे भी स्क्वायर में हमें काट लेना है। यहाँ पे इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। काटने के बाद बाकी का जो पट्टी बचा हुआ है सभी को हम निशान लगा करके काट लेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, हमने इसे भी कट कर लिया है, तो सभी पीसेस हमारी कट चुकी हैं। तो हम आपको इसे अच्छे से तह लगा करके फिर दिखाते हैं और बताते हैं कितना पीस आपको लेने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने सभी पीसेस को कट कर लिया है यहाँ पे, और अच्छे से हमने पीसेस को तह लगा लिया है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। तो हम आप लोग को बता दें कि आप लोग को कितना पीस लेंगे, कि आपकी जो बेडशीट है अच्छे से तैयार हो, सिंगल बेडशीट कितना आपको कट करना होगा, और आप लोग अच्छे से बना पाएंगे, आपको और से पीस नहीं लेना पड़ेगा। ऐसे भी लेंगे 48, इसी वाला भी लेंगे 48 पीस, 48 48, तो 48 48 पीस हमें, यानी कि 48 पीस हमें कट करना है। तो जो छोटा वाला पीस है हम इसे किनारे रखेंगे, और यहाँ पे और जो तीन हमारा पीस है 4.5 इंच का, इसे हम कट कर लेंगे। तो इन सभी पीसेस को हम अच्छे से मोड़ेंगे, और बीचों बीच से हम इसे काट लेंगे। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके एक पीस भी कट कर सकते हैं, आप चाहें तो जैसा आप जितना संभाल पाए उतना पीस लेकर के हम कट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आप लोगों को ऐसे कट करना है, बाकी का आप लोग इसी तरह से कट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे 48 पीस को आप लेने हैं, सभी कलर के पीसेस को 48 48 करके आपको सभी पीसेस को लेने हैं। सिंगल आपका इसे आपका सिंगल तैयार होगा, मतलब इतने पीसेस से सिंगल बेडशीट तैयार होगा आप लोग का। अगर आप लोग डबल बेड बेड बनाएंगे तो और भी पीसेस को काटना पड़ेगा, ठीक है, उस तरह से आप लोग कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे तीनों पीसेस को हमने इसे बीच बीच से कट कर लिया। तो इस तरह से हमारा पीस आएगा, कटने के बाद ऐसे आपको कट कर लेना है। फिर आप लोग को स्टिच में हम समझाएंगे, बताएंगे कैसे आपको स्टिच करना है, तो आप लोग स्टिच वाली वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, पसंद आई हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।